उत्तर प्रदेश के मेनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली से थाना अध्यक्ष के सीने पर लगी, लेकिन गनीमत रही कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई। फिलहाल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मेनपुरी से संवाददाता मुनीष मिश्रा की रिपोर्ट। रात में बिजली घर पे कर्मचारियों को कमरे में बंद करके और वहां से 12 क्विंटल तांबा चोरी किया गया था। इस संबंध में 13 लोगों का गैंग प्रकाश में आया था, जिसमें से 4 लोग पकड़े गए। 2 व्यक्तियों को इस बारे में सुखबीर और सतेंद्र के बारे में जानकारी मिली कि स्कॉर्पियो गाड़ी से आज ये तांबा बेचने ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा उनको रोका गया, रोकने पर उनके द्वारा पुलिस बल पे फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए।